मैं इस वक्त उस जगह पर हूँ जहाँ कल देर शाम उपद्रवियों ने डीसीपी ऑफिस के बाहर खड़ी एक गाड़ी में आग लगा दी थी। अब इस मामले को 24 घंटे होने को है और पुलिस ने इस मामले में करीब 15 लोगों को हिरासत में लिया है और उन तमाम लोगों को शुरुआत में यहाँ दरियागंज थाने लाया गया था। पुलिस ने उनसे पूछताछ की। हालांकि जो पकड़े गए लोग हैं उनके परिजन भी थाने पहुंचे थे। उनका साफ तौर पर कहना था कि वो किसी भी तरह के उपद्रव में शामिल नहीं थे। उनके परिजन पूरी तरह से बेकसूर बता रहे अपने लोगों को। आप देख सकते हैं कि कल इस जगह पर पुलिसिया बैरिकेडिंग की गई थी। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। ये जो गेट है इसके पास बैरिकेड लगाया गया था। इस गेट से आगे बढ़ने की किसी को भी अनुमति नहीं थी, क्योंकि पुलिस का अंदेशा ये था कि प्रदर्शनकारी यहाँ से जंतर मंतर या फिर इंडिया गेट की तरफ मूव कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हैवी बैरिकेडिंग की गई थी। आज चूँकि इस इलाके में पहले से ही जो सुरक्षा के इंतजाम हैं बेहद कड़े किए गए हैं और पुलिस की तरफ से भी लोगों को एडवाइजरी जारी की जा रही है कि किसी भी तरह की अफवाह ना फैलाएं, ना किसी अफवाह का हिस्सा बने। हालांकि कल देर शाम जिस तरह का उपद्रव इस इलाके में हुआ उसके बाद सरकार भी कहीं ना कहीं हरकत में है। सरकार की तरफ से भी कहा गया है कि जो भी बिल की आड़ में इस तरह से हिंसक कार्रवाई में संलिप्त होगा उसके खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे। पुरानी दिल्ली का ये इलाका है। दरियागंज के साथ साथ जो यहाँ के तमाम इलाके हैं, तुर्कमान गेट, होज खाजी, जामा मस्जिद, वो तमाम इलाके इस के नज़दीक हैं और यहाँ से रामलीला मैदान भी चंद कदमों की दूरी में है। ऐसे में दिल्ली पुलिस कल यानी कि रविवार को होने वाली रैली को लेकर भी बेहद संजीदा है। पुलिस की कई टुकड़ियाँ यहाँ बुलाई गई है। इसके साथ साथ जो दूसरी सुरक्षा एजेंसियाँ हैं उनको भी यहाँ बुलाया गया है। लगातार डीसीपी ऑफिस में मीटिंगों का सिलसिला जारी है। दिल्ली पुलिस के सामने इस इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली का सफल आयोजन कराना भी एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि रामलीला मैदान यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर है और कल जिस तरह से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलीला मैदान में आने वाले हैं, उम्मीद यही की जा रही है कि 2 लाख से ज़्यादा लोग रामलीला मैदान में पहुँचेंगे। ऐसे में दिल्ली पुलिस के जो आला अफसरान हैं वो डीसीपी ऑफिस में मीटिंग कर रहे हैं। कल की रैली को सफल बनाने के साथ साथ इस इलाके के अंदर शांति व्यवस्था कायम रखना दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज है। देखना यही है कि फिलहाल यहाँ का माहौल शांत है, लेकिन कल देर शाम जिस तरह से यहाँ के माहौल ने करवट ली, ये वाकया दोबारा ना हो, इससे कैसे निपटा जाए, इसको लेकर पुलिस और तमाम सुरक्षा एजेंसियाँ अपने अपने स्तर पर कार्रवाई में जुटी है। कैमरामैन अनिल के साथ मुकेश गुप्ता, दिल्ली।